हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल बायोलॉजी का टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी क्या होता है, CSIR नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CSIR के जो सिलेबस होती है, उस सिलेबस का जो सेकेंड यूनिट है वो है सेल बायोलॉजी। ओके, तो सेल बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ। जो सेल बायोलॉजी होता है, क्योंकि जो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो पूरा सेल से ही बना होता है। सेलुलर स्ट्रक्चर से ही ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पर क्या, हम ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक यूनिट की बात करेंगे। ओके, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है सेल। ओके, तो एक सेल काम करता है कि एक सेल किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। ओके, किस तरीके से वो काम करता है, उसका काम करने का तरीका किस तरीके से होता है, वो सारी बातें हम सेलुलर बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एक सेल की बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल में कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, उन सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर बात करना है। ओके, तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल के सबसे आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होने वाला जो कंपोनेंट है, उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म में पूरे सेल से ही बना होता है। तो सेल क्या होता है, जो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एक्चुअल में, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, क्योंकि जो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दो प्रकार के इन्वायरमेंट होता है, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। ओके, यदि हम एक सेलुलर लेवल पर देखें तो एक सेल का भी इन्वायरमेंट होता है उस तरीके से। ओके, जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, उसी तरीके से जो सेल्स होता है जिससे ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तो उस सेल में भी दो इन्वायरमेंट होता है, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। तो एक सेल क्या करता है, जो सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसका काम क्या होता है, बहुत सारे सिग्नल को रिसीव करना और अंदर ले आना, और अंदर से बहुत सारे सिग्नल को क्या करना, बाहर भेज देना। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ों को अंदर ले आना, कुछ इन्फॉर्मेशन को अंदर ले आना, और इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भेज देना। तो ये काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। तो देखेंगे सबसे पहले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से होते हैं, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका जो स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले हैं। ओके, द यूकैरियोटिक सेल इज demarcated from the external environment by the plasma membrane and organized into membrane limited internal environment, internal compartment. Okay, तो इसमें बताया जा रहा है कि एक सेल होता है, सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, उसमें बहुत कुछ होंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसको हम देखेंगे बाद में। और दूसरा क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है या कंपार्टमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, इंटरनल कंपार्टमेंट क्या होता है, मोस्टली जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, जैसे कि हम यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, गोल्गी बॉडी की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, वैक्यूल्स की बात करें, उसका तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें प्लांट के केस में इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर है आपका न्यूक्लियस हो गया है, तो इस तरीके से उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है और बहुत सारे वेसिकल प्रेजेंट होते हैं इसके इंटरनल कंपार्टमेंट में। ओके, तो इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन फार एक्सीड्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जो सेल का टोटल जो सर्फेस एरिया होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, एक्सीड किया जाता है। ओके, हम उसको देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बना होता है। द फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल बायो मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड्स का एक्चुअल बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल्स होता है, वो उसका जो मेम्ब्रेन होता है, बायो मेम्ब्रेन होता है, वो किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड। ओके,
इसमें क्या होता है फॉस्फोलिपिड का बना होता है, इसमें फॉस्फेट भी रहता है, लिपिड भी प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से लिपिड का बाइलेयर इसमें प्रेजेंट होता है। तो किस तरीके से बाइलेयर प्रेजेंट होंगे, उसका रीजन क्या होंगे, किस तरीके से अरेंज होंगे, वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। इज अ टू डायमेंशनल लिपिड शीट विद हाइड्रोफिलिक फेसेस एंड द हाइड्रोफोबिक कोर, ओके, विच इज इम्परमिएबल टू वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो आपका लिपिड होते हैं, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन ये दो जो कंपोनेंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, और इसी से ही क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। एक तो लिपिड का बाइलेयर और दूसरा होता है प्रोटीन, ओके। ये क्या होता है टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, लिपिड में दो बाइलेयर यानी कि दो स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको बाइलेयर कहा जाता है। और ये क्या होता है हाइड्रोफोबिक भी होता है जो लिपिड होता है, और हाइड्रोफिलिक भी होता है, ओके। इस दोनों कंपोनेंट के वजह से इसमें बाइलेयर का फॉर्मेशन होता है, ओके। और ये क्या होता है इम्परमिएबल होता है, किसके लिए वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल एंड आयन के लिए। किस तरीके से होंगी वो हम इसमें डिटेल से बात करने वाले हैं। सर्टेन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन बायोमेम्ब्रेन मेक देम सेलेक्टिवली परमिएबल टू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल एंड आयन। जिस तरीके से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो लिपिड वाला पोर्शन होता है वो क्या नहीं कर सकते, वो वाटर सॉल्युबल यहाँ पर नहीं है, ओके। और कुछ आयन के लिए भी क्या होता है इम्परमिएबल होता है, क्योंकि लिपिड क्या नहीं कर सकते हैं वाटर से, वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं हो सकता, इसके वजह से वो उसको इम्परमिएबल यानी उसको एक अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे इसके रीजन हम देखेंगे, ओके। उसी तरीके से कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन क्या करते हैं ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, ओके। कुछ चीज़ों को बाहर लाने में, कुछ चीज़ों को अंदर लाने में, तो ये किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से अंदर बाहर ले जाएंगे, किसी भी चीज़ को यदि अंदर ले आना या यदि बाहर भेजना है उसको, तो वो क्या करेंगे पहले सेलेक्ट करेंगे कि किसको बाहर ले जाना है और किसको अंदर ले आना है, ओके। क्योंकि कोई भी आयन या कोई भी मॉलिक्यूल का साइज और शेप क्या होता है अलग अलग प्रकार से होते हैं, इसीलिए क्या होता है जो मेम्ब्रेन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करता है और वो उसके सिलेक्शन के बेसिस पर क्या होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पर वो करते हैं। द प्राइमरी लिपिड कंपोनेंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन आर फॉस्फोग्लिसराइड स्फिंगोलिपिड एंड स्टेरॉइड, ओके। इसमें क्या है ये तीन प्रकार से यहाँ पर बायोमेम्ब्रेन क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले है फॉस्फोग्लिसराइड, ओके, ये लिपिड के बात किया जा रहा है। यहाँ पर ये स्फिंगोलिपिड ये भी लिपिड है, और यहाँ पर स्टेरॉइड है यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है कोलेस्ट्रॉल की बात यहाँ पर किया जा रहा है, ओके। मोस्ट लिपिड्स एंड मैनी प्रोटीन्स आर लेटरली मोबाइल इन बायोमेम्ब्रेन। कुछ लिपिड यहाँ पर होता है और कुछ प्रोटीन होता है जो क्या करता है लेटरली क्या होता है मोबाइल होता है यहाँ पर, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका जो फ्लूडिटी होता है यानी कि वो मूवमेंट कर सकता है, किसके वजह से कर सकता है लिपिड और प्रोटीन की वजह से उसमें मूवमेंट शो होता है। डिफरेंट सेलुलर मेम्ब्रेन वेरी इन लिपिड कंपोजिशन, फॉस्फोलिपिड आर एंड स्फिंगोलिपिड आर एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू लिफलेट ऑन द बाइलेयर, ओके, वेयर एज कोलेस्ट्रॉल इज फेयरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ लिफलेट, ओके। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है जो हमारा जो लिपिड मेम्ब्रेन होता है, जो लिपिड का स्ट्रक्चर होता है या मेम्ब्रेन होता है, उसमें क्या होता है आपका स्फिंगोलिपिड और आपका फॉस्फोलिपिड क्या होता है ये क्या होता है एसिमेट्रिकली होता है, यानी कि ये दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, इसका कोई सिक्वेंस नहीं होता कि कौन से लिपलेट में फॉस्फोलिपिड होगा कौन से लिपलेट में ये स्फिंगोलिपिड होगा, ओके। ये दो लिपलेट होता है, एक होता है साइटोप्लाज्मिक लिपलेट, एक होता है एक्सोप्लाज्मिक लिपलेट। तो दोनों लिपलेट में क्या होता है यहाँ पर फॉस्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है। और जो दोनों लिपिड्स होते हैं, दो लिपिड के बीच में क्या होता है यहाँ पर स्टेरॉइड होते हैं यानी कि कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर देखा गया है, ओके। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दोनों लिपिड के बीच में क्या होता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है, ओके। नेचुरल बायोमेम्ब्रेन किस तरीके से यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को जो कोलेस्ट्रॉल होता है दो लिपिड के बीच में होते हैं हम स्ट्रक्चर में अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर नेचुरल बायोमेम्ब्रेन जनरली हैव अ फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी, ओके। इसमें क्या होता है जो नेचुरल बायोमेम्ब्रेन होता है उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, मूवमेंट होता है वो देखा गया है। नेचुरल जो बायोमेम्ब्रेन होता है उसमें फ्लूडिटी मेंटेन होता है। इन जनरल मेम्ब्रेन फ्लूडिटी इज डिक्रीज आर स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज बाई
फॉस्फोग्लिसराइड। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उसके लिपिड लिपिड का जो क्लोरिडिटी होती है वो किसके वजह से डिक्रीज होगा, इनकी जो क्लोरिडिटी वो डिक्रीज होता है स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की वजह से, लेकिन उसमें जो लिपिड की जो क्लोरिडिटी होती है वो किसके थ्रू बढ़ेगा, आपका फॉस्फोग्लिसराइड। ओके, तो इस तरीके से लिपिड का मूवमेंट में कभी कम कभी ज़्यादा, तो इस तरीके से देखा गया है। तो कभी कम क्लोरिडिटी होगा तो उस कंडीशन में या स्फिंगोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ जाएगा तो लिपिड कम मूवमेंट करेंगे, और जो आपका लिपिड की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मूवमेंट है यदि उसको बढ़ाना है तो यहाँ पर ग्लिसरे और फॉस्फोग्लिसराइड क्या करेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसके कारण क्या होगा, लिपिड की जो मूवमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, द लिपिड कंपोजिशन ऑफ अ मेम्ब्रेन आल्सो इन्फ्लुएंस इज थिकनेस एंड कर्वाचर। कुछ जगह पर देखा गया कि लिपिड में क्या होता है, थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है और उसके स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से शो होता है। जैसे कि हम लिपिड रैप्ट के बारे में बात करते हैं, तो लिपिड रैप्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर जो रैप्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, उसका थिकनेस ज़्यादा होता है। थिकनेस ज़्यादा होने के कारण उसमें लिपिड की संख्या कुछ ज़्यादा होंगे और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट मिलकर के जगह को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और थिकनेस उसका बढ़ा देते हैं। ओके, लिपिड रैप, जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे लिपिड रैप, तो लिपिड रैप जहाँ जहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देखा गया है वहाँ पर थिकनेस भी क्या होगा, ज़्यादा देखा गया है। लिपिड रैप्स आर माइक्रोडोमेन कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल स्फिंगोलिपिड एंड सर्टेन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट फॉर्म इन द प्लेन ऑफ द बाइलेयर। ओके, ये है लिपिड रैप, क्योंकि जो थिकनेस वाली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं इसी थिकनेस को हम लिपिड रैप के नाम से जानते हैं, और जहाँ पर भी पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जहाँ पर भी लिपिड रैप दिखाई देगा वो क्या होता है, एक माइक्रोडोमेन होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, ज़्यादा होगा, स्फिंगोलिपिड भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा और सर्टेन मेम्ब्रेन प्रोटीन भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा इस बायलेयर में। ओके, दिस एग्रीगेट्स आर साइट्स फॉर सिग्नलिंग अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जब सिग्नलिंग होता है, क्योंकि सिग्नलिंग के टाइम में ये जो लिपिड रैप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, क्योंकि सिग्नलिंग जब होगा तो ये लिपिड रैप में ये जितने भी स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल और जो आपका प्रोटीन्स होते हैं ये सिग्नल के फॉर्म में काम करता है, किसी भी सिग्नल को रिसीव करने के लिए काम करता है। ओके, हम डिटेल से एक लेक्चर में देखेंगे कि लिपिड रैप क्या होता है, किस प्रकार से सिग्नलिंग में हेल्प करता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यूजली कंटेन बोथ इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन एंड पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच डू नॉट इंटर द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द बायलेयर। ओके, जो लिपिड का मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, यानी इंटीग्रल का मतलब जब मेम्ब्रेन होती है मेम्ब्रेन के दोनों साइड क्या होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है किस तरीके से, और पेरिफेरल प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, बहुत सारे यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक होता है लिपिड के बीचों बीच इंटर करेंगे और दूसरा क्या होगा, लिपिड के साइड में रहेंगे, तो साइड में जो प्रोटीन रहेंगे उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, और जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा वो इंटीग्रल प्रोटीन उसको हम बोलते हैं। ओके, जो आपका जो पेरिफेरल जो प्रोटीन होता है वो इंटर नहीं, वो कहाँ पर इंटर नहीं कर सकता, जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है बायलेयर को उसमें इंटर नहीं कर सकता है। मोस्ट इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कंटेन ऑन और मोर मेम्ब्रेन स्पेनिंग मेम्ब्रेन स्पेनिंग हाइड्रोफोबिक हेलिकल्स हाइड्रोफोबिक हेलिक्स एंड हाइड्रोफिलिक डोमेन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द साइटोसोलिक एंड एक्सोप्लाज्मिक फेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करेंगे, तो पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ मूवमेंट उसका मूवमेंट कहाँ का उसका जो एरिया होता है वो कहाँ पर होता है, या तो वो एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट में होगा या तो फिर वो फिर साइटोप्लाज्मिक लीफलेट में होगा, लेकिन वो कभी भी कहाँ पर इंटर नहीं कर सकता, हाइड्रोफोबिक रीजन पे इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर कभी भी ये उसका पोर्शन नहीं देखा गया। उस तरीके से इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो क्या होता है, वो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, और वो क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच वो प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और ये जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन रहता है ये एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट में भी ये शो होता है और आपका साइटोप्लाज्मिक लेपलेट में भी ये प्रेजेंट होता है, दोनों साइड प्रेजेंट होता है और बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। द पोरिन क्या है, प्रोटीन्स होता है, अनलाइक
अनलाइक अदर इंटीग्रल प्रोटीन्स कंटेन मेम्ब्रेन स्पेनिंग शीट दैट फ्रॉम द बैरल लाइक चैनल थ्रू द बायलेयर। ओके, इसमें क्या होता है, जो पोरिन होते हैं, पोरिन भी एक प्रोटीन होता है, ये बैरल लाइक शेप का प्रोटीन होता है, और क्या होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, और एक चैनल क्रिएट करता है, चैनल के थ्रू, इस तरीके से ये बैरल लाइक चैनल के थ्रू इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से मेंटेन करता है। ओके, हम देखेंगे किस तरीके से पोरिन का स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन पे किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये जो पोरिन होता है, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ये बीच बिल्कुल भी कहां पर प्रेजेंट होंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीचों बीच प्रेजेंट होंगे। ओके, लॉन्ग चेन लिपिड अटैच टू सर्टेन अमीनो एसिड एंकर सम प्रोटीन्स टू वन और अनदर मेम्ब्रेन लीफलेट। ओके, कुछ और भी एंकर प्रोटीन होता है जो कि आपका मेम्ब्रेन के लीफलेट पे प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लीफलेट पे प्रेजेंट होते हैं। सम पेरिफेरल प्रोटीन्स एसोसिएट विद द मेम्ब्रेन बाय इंटरैक्शन विद इंटीग्रल प्रोटीन्स। लिपिड बाइंडिंग मोटिव्स इन अदर पेरिफेरल प्रोटीन्स इंटरैक्ट विद द पोलर हेड ग्रुप ऑफ द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। ओके, क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होता है जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बिल्कुल भी लिपिड के, लिपिड का जो हेड वाला ग्रुप होता है, उस हेड ग्रुप के साथ क्या होता है, इसका अटैचमेंट होता है और वहां पर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन का बहुत सारा कैटेगरी देखने को मिलेगा। जब हम प्रोटीन की बात करेंगे, यहाँ पर आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ लिपिड के बारे में, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर हम अभी तक बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है, एंकर्ड प्रोटीन क्या होता है, ये सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगा हुआ रहता है, और इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर लिपिड के बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का क्या रोल होता है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लिपिड, बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। पहला है आपका इंटीग्रल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसके बाद यहाँ पर होता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन, उसके बाद एंकर्ड प्रोटीन, इस तरीके से बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, और ये लिपिड के साथ, सॉरी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के साथ ये बाउंड रहता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे लिपिड बायलेयर। ओके, आज के लेक्चर में बात करेंगे यहाँ पर लिपिड बायलेयर के बारे में। इसके बाद जब सेकेंड लेक्चर मेरा होगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्रोटीन के बारे में होगा, और क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को एक साथ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये वीडियो क्या होगा बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। या तो आज हमारा जो पहला लेक्चर है ये है लिपिड बायलेयर के बारे में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लिपिड के बारे में, उसके बाद सेकंड लेक्चर में बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। ओके, तो आज यहाँ पर हम बात करते हैं लिपिड के बारे में। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, देखिए ये है सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यदि सेलुलर स्ट्रक्चर की इस सेक्शन को देखें, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इस सेक्शन को यदि हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है लिपिड का बायलेयर, ये है एक्सोप्लाज्मिक लिपलेट और ये है साइटोप्लाज्मिक लिपलेट। दोनों लिपलेट में क्या लगा हुआ है, आपका लिपिड लगा हुआ है, तो ये है एक लिपिड का एक लेयर है, उस तरीके से नीचे भी क्या है, देखिए ऊपर भी एक लिपिड का लेयर इस तरीके से बना हुआ है और नीचे भी एक लेयर बना हुआ है, और इसके बीच में ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर वाला पोर्शन है ये पूरा लिपिड का बना होता है, और ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है ये क्या है, प्रोटीन का बना होता है। ओके, अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये देखिए यहाँ से हम यदि एक सिर्फ इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, एक लिपिड का लेयर है, जो रेड कलर वाला पोर्शन है ये लिपिड का लेयर है, और लिपिड का ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, तो इसीलिए इसको हम बायलेयर बोला जाता है। ओके, इसीलिए इसको हम बायलेयर बोलते हैं। ओके, दो लेयर से घिरा हुआ होता है, ये है लिपिड बायलेयर, और इसके बीच में क्या रहता है, ये इंटीग्रल प्रोटीन रहते हैं। ओके, जो लिपिड होते हैं वो उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक ग्रुप और दूसरा होता है आपका हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ओके, तो इसके लिपिड के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक हेड, और इसके जो नीचे होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है। द लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन कंबाइन टू वेरी डिफरेंट प्रोटीन्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल्स। ईच लिपिड हैज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक जो हेड होती है वो क्या होता है, वाटर लविंग होता है, और दूसरा जो होता है तो ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो वाटर को क्या करता है, पसंद करते हैं या वाटर को लव करते हैं। ओके, दूसरा पोर्शन क्या हो गया, वन और टू हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर फियरिंग,
हाइड्रोकार्बन टेल्स। ओके हेड वाला पोर्शन हो गया है, ये क्या होता है हाइड्रोफोबिक हेड होता है, और जो दूसरा पोर्शन होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक टेल, और इसमें क्या होता है दो हाइड्रोकार्बन चेन होता है इस तरीके से। अब देख रहे हो ये पहला चेन हो गया, ये दूसरा चेन हो गया है। इस चेन में क्या होता है वेरिएशन होता है, एक देखिए ये लीनियर फॉर्म में है लेकिन ये क्या हो थोड़ा सा, और इसमें क्या होता है थोड़ा सा ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर है। ओके ये जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम किंग के नाम से जानते हैं, यानी कि जहां पर भी इस पूरे हाइड्रोकार्बन में जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड में किंग का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर इस तरीके से एक एंगल बनेगा। ओके तो हाइड्रोकार्बन चेन में क्या होगा हमेशा एंगल बनता है, यहाँ पर क्या है वेरिएशन हो सकता है। तो इस तरीके से हमने एक लिपिड का एक सिंपल से स्ट्रक्चर यहाँ पर देखे है कि लिपिड में एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है और एक होता है हाइड्रोफोबिक हेड। जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो वाटर को पसंद करते हैं और जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है ये वाटर को पसंद नहीं करते हैं। और क्या होता है ये दोनों जो लेयर होता है या दोनों जो ग्रुप होता है दोनों ग्रुप को एक ही साथ क्या बोला जाता है एम्फीपैथिक नेचर का ये होता है लिपिड। देखिए मॉलिक्यूल्स विद बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज आर टर्म एम्फीपैथिक। ओके ये एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं, जब क्वेश्चन कई बार आ चुका है यहाँ पर एम्फीपैथिक नेचर के, जो एम्फीपैथिक नेचर का मतलब होता है जो लिपिड होते हैं उसमें दो कैरेक्टर होता है दो प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक हेड और दो होता है हाइड्रोफोबिक टेल। इसी दो प्रॉपर्टीज के कारण ही लिपिड का बायलेयर बनता है। ओके नहीं तो लिपिड का बायलेयर बनने का कोई दूसरा कारण नहीं है। ये किस तरीके से अरेंज होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिपिड के बारे में, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिपिड इस तरीके से हमने शो किया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बिटवीन द इनर एंड आउटर मोनोलेयर ऑफ द एरिथ्रोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक ब्लड सेल की बात कर रहे हैं हम, एक ब्लड सेल यहाँ पर हम लिए है और इस ब्लड सेल का से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर याद कंसीडर करें तो वहां पर हम देख सकते हैं कि कितने प्रकार के फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। ओके एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है जो ब्लड सेल होता है उसी को हम यहाँ पर लिए हैं। ओके तो यहाँ पर एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो लिपिड होता है वो बिल्कुल एक समान रहेगा। अगर हम एक लिपलेट की बात करें जैसे कि दो लिपलेट होता है, एक होता है साइटोप्लाज्मिक एक होता है एक्सोप्लाज्मिक लिपलेट। ओके जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे आज लिपिड बायलेयर के बारे में, तो ये देखिए ये है पहला आपका लिपिड बायलेयर। ओके ये पहला लिपिड हो गया, लिपिड का लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, तो ये हो गया एक लेयर ये दूसरा, यानी कि ये जो अगर ये बाहर की तरफ होंगे तो एक्सोप्लाज्मिक लिपलेट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा अंदर की तरफ होगा तो ये क्या कहलाएगा साइटोप्लाज्मिक लिपलेट। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है दो तरीके से यहाँ पर लिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए एसिमेट्रिक होगा, यानी कि जो लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन होगा दोनों साइड में क्या होगा अलग अलग तरीके से होगा, यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ब्लड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे पहले एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, ये एरिथ्रोसाइट या ब्लड सेल होते हैं उनका जो फॉस्फोलिपिड उनमें कितने प्रकार के फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, दूसरा हम देखेंगे कि परसेंटेज कितना है, टोटल परसेंटेज कितना है मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड होता है फॉस्फोलिपिड का परसेंटेज कितना होता है, और तीसरा कंडीशन क्या देखा गया परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इन मेम्ब्रेन। ओके तो ये सारे फॉस्फोलिपिड है उनका परसेंटेज है और यहाँ पर दिखाया गया है कि कितना परसेंट इनर लिपलेट पे है और कितना परसेंट आउटर लिपलेट पे है। ओके तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं करके सबसे पहला जो हमारा लिपिड है वो है फॉस्फोटिडाइल इथाइलेमिन। ओके ये जो इथाइलेमिन होता है ये सारे ये क्या है फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ओके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से जैसे ये इथाइलेमिन है, उसके बाद कोलिन है, उसके बाद यहाँ पर माइलिन है, सेरीन है, आइनोसिटोल है। ओके तो ये सारे क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, उस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम लिपिड का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉस्फोटिडाइल इथाइल ये कितना परसेंट होगा टोटल पे जो मेम्ब्रेन होता है, टोटल जो आपका एरिथ्रोसाइट का मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन पे जो फॉस्फोटिडाइल इथाइल एमिन है उसका 30% प्रेजेंट होता है। ओके उसी तरीके से यहाँ पर जो 30% प्रेजेंट होगा टोटल, उसके बाद हम यहाँ पर 100% में यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल 100% का 30% जो फॉस्फोलिपिड होगा वो क्या होगा फॉस्फोटिडाइल इथाइल एमिन।
इसके बाद यदि हम इस फॉस्फोटिडाइल इथाइल एमिन की परसेंटेज की बात करें दोनों साइड में, देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां पर हम जीरो कंसीडर किए है, ये सीधा लकीर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर क्या है इसके इस साइड वाला ये क्या है इनर मोनोलेयर है और इधर क्या है आउटर मोनोलेयर है। ओके, क्योंकि दो लेयर है यहाँ पर, एक ये है ये पहला लेयर है और ये दूसरा लेयर है। ओके, दोनों तरफ क्या 100% रखे हमने। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो फॉस्फोटिडाइल इथाइल एमिन है ये कितना परसेंट आउटर में होगा और कितना परसेंट इनर में होगा। तो इनर में क्या है लगभग 80% इनर में देखा गया है फॉस्फोटिडाइल इथाइल एमिन और 20% कहाँ पर देखा गया है आउटर मोनोलेयर। इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा लिपिड है वो है फॉस्फोटिडाइल कोलीन जो 27% होता है। अब यहाँ पर यदि हम परसेंटेज की बात करें दोनों लिपलेट में तो लगभग 20% क्या होता है ये इनर लेयर पर होता है और आपका 80% कहाँ पर होगा ये आउटर मोनोलेयर में। उसके बाद हम तीसरा जो फॉस्फोलिपिड है उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्फिंगोमायलिन। ये क्या होता है 23% होता है और यदि हम इसकी परसेंटेज की बात करें दोनों लिपलेट में तो ये इनर लिपलेट में लगभग 10% होता है और 90% कहाँ पर होगा ये आउटर लिपलेट में। ओके, उसके बाद हम फोर्थ फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे तो यहाँ पर है फॉस्फोटिडाइल सेरीन। अगर इसकी परसेंटेज की बात करें फॉस्फोटिडाइल सेरीन तो ये टोटल 5% यहाँ पर टोटल 15% प्रेजेंट होता है और इस फॉस्फोटिडाइल सेरीन का क्या होता है यहाँ पर लगभग 95% क्या होता है इनर लेयर पर होता है और आपका लगभग 5% क्या होता है ये आउटर मोनोलेयर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये टोटल क्या है फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटाइल हो गया, फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटाइल 4-फॉस्फेट हो गया, फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटाइल 4-5-फॉस्फेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर है फॉस्फोटिडिक एसिड तो इसका टोटल 5% क्या होता है ये पूरे इस टोटल इस चारों का 5% का क्या प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और इन चारों का यदि कॉम्बिनेशन हम देखें यहाँ पर यदि परसेंटेज देखें कि आउटर और इनर में किस तरीके से होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको निकालना है कि कितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन बना है सीएसआर के नेट के एग्जाम में कि ये जो परसेंटेज होते हैं कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कंपेरेटिव यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि दो यहाँ पर दो कॉलम बना देंगे और यहाँ पर देंगे फॉस्फोलिपिड कितने यहाँ पर फॉस्फोलिपिड होंगे और दूसरे साइड में आपको इस तरीके से मोनोलेयर दिखाया जाएगा और उसका परसेंटेज भी शो किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसका कितना परसेंटेज इनर लिपलेट पे है और आउटर लिपलेट पे है। ओके, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ये है एक्चुअल में लिपिड का स्ट्रक्चर, वहां पर हम सिंपल स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये है ओवरऑल लिपिड का स्ट्रक्चर। तो देखिए ये है पोलर हाइड्रोफिलिक हेड और ये होता है हमारा पोलर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक टेल। ओके, ये वाटर क्या होता है फेयरिंग होता है और ये क्या होता है वाटर लविंग होता है, ये वाटर हेटिंग होता है, ये वाटर लविंग होता है। हेड वाला पोर्शन हमेशा वाटर लविंग होगा और जो टेल वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा वाटर हेटिंग होगा। जो वाटर हेटिंग पोर्शन है वो क्या होगा हाइड्रोकार्बन टेल का बना रहता है। ओके, और जो आपका हेड वाला पोर्शन होता है ये आप इसको नॉन पोलर बोल सकते हो क्योंकि वाटर से क्या वाटर मॉलिक्यूल से ये इंटरैक्ट नहीं करते हैं तो ये नॉन पोलर होगा और जो हेड वाला पोर्शन होता है वो क्या होगा पोलर होगा। ओके, तो जो लिपिड होता है लिपिड में क्या होता है कि दो हाइड्रोकार्बन चेन होता है और ग्लिसरॉल होता है और बीच में क्या होता है फॉस्फेट होता है और फॉस्फेट के साथ जो भी आपका ग्रुप लगा रहेगा जैसे कि इससे पहले हम लोग जो चार्ट में देखे हैं जैसे यहाँ पर इथाइल एमीन ग्रुप होता है यहाँ पर देखिए ये है इथाइल एमीन कोलीन हो गया माइलिन हो गया है सेरीन हो गया आइनोसिटर हो गया है तो जो भी ग्रुप इस फॉस्फेट के साथ लगा रहेगा उस ग्रुप के बेसिस पर हम यहाँ पर लिपिड का नोमेनक्लेचर करेंगे। अगर यहाँ पर इस फॉस्फोलिपिड के साथ यदि कोलीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम है फॉस्फोटिडाइल कोलीन। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए ये कोलीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो कि जहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहा है वहाँ पर क्या हुआ एक एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम किंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका लिपिड का कि लिपिड का हाइड्रोफोबिक हेड में कौन कौन से पोर्शन प्रेजेंट होते हैं। तो लिपिड के जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है उसमें तीन ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक होगा ग्लिसरॉल, दूसरा होगा फॉस्फेट और तीसरा होगा
को तीसरा होगा फॉस्फोलिपिड के जो हमारा कैटेगरी फॉस्फोलिपिड का जो क्लासिफिकेशन है उसमें उस क्लासिफिकेशन में जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा उस ग्रुप के हिसाब से लिपिड का नोमेनक्लेचर किया जाएगा। हाइड्रोफोबिक टेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हाइड्रोकार्बन ही प्रेजेंट होगा। ओके, इस तरीके से हम यानी दूसरा स्ट्रक्चर देखें सेरीन। देखिए इसके जो ये जो दो हाइड्रोकार्बन चेन है और चेन है, यदि हम बात करेंगे फॉस्फोटिडाइल सेरीन की, ये भी एक फॉस्फोलिपिड होता है, सारे फॉस्फोलिपिड है क्योंकि इस लिपिड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सारे फॉस्फोलिपिड कहलाएगा। लेकिन फॉस्फोलिपिड में कौन सा लिपिड है, तो जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर में हम देख रहे थे कि ये क्या है फॉस्फोटिडाइल कोलिन है, उसी तरीके से यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है आपका फॉस्फोटिडाइल सेरीन, क्योंकि इसके जो फॉस्फेट के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फॉस्फोटिडाइल सेरीन। उसके बाद इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, इसका हाइड्रोकार्बन के साथ यदि इस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से जुड़ा रहता है तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड रहता है। किस तरीके से रहेंगे, इसका क्या फंक्शन होता है, आगे हम डिटेल से बात करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी एक लिपिड है, यदि लिपिड के साथ क्या जुड़ा रहेगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहेगा, या जैसे यहाँ पर गैलेक्टोज की बात हम करें, यदि एक लिपिड के साथ क्या होगा, एक कोई भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोलिपिड। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर कोई प्रोटीन रहेगा जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, तो दो प्रकार से यहाँ पर हम शो कर सकते हैं, एक है ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। तो देखिए इस तरीके से गैलेक्टोज प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, गैलेक्टोसिरेबोरोसाइड। ओके, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। इस तरीके से हम लिपिड को बहुत सारे प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे लिपिड, द लिपिड बायलेयर इज अ टू डायमेंशनल फ्लूइड। ओके, लिपिड बायलेयर इज अ टू डायमेंशनल फ्लूइड। यहाँ पर जो लिपिड का मूवमेंट होता है किस तरीके से होता है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लिपिड का एक्चुअल स्ट्रक्चर लिपिड किस तरीके से अरेंज होता है, और अरेंज होने के बाद एक सेलुलर कंपार्टमेंट बनाता है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा क्या है, लिपिड का स्ट्रक्चर है ये। देखिए यहाँ पर ये क्या है, अंदर ये क्या है, इनर लिपलेट होता है, और ये क्या होता है, आउटर लिपलेट होता है। यानी कि यहाँ पर एक एक्वस मीडियम है, इस एक्वस मीडियम में हम लिपिड को छोड़ दिए हैं, एक एक मॉलिक्यूल करके लिपिड को छोड़ दिए, तो लिपिड ने कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर को मेंटेन किया है कि इसके अंदर भी वाटर है बाहर भी वाटर है, लेकिन इसके बीच में कोई भी एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो लिपिड क्या कर रहा है, इस एक्वस मीडियम या इस वाटर मॉलिक्यूल से बचने के लिए, अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया है कि दोनों साइड वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन इसके जो अंदर वाला पोर्शन होता है लिपिड के, इस अंदर में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, और लिपिड का जो दोनों आउटर और इनर लेयर होता है, इसी आउटर और इनर लेयर की वजह से क्या होता है, लिपिड का मूवमेंट होता है। आपको पता होगा कि सेल मूवमेंट करते हैं, तो सेल मूवमेंट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि लिपिड का मूवमेंट होता है जिसके वजह से सेल का क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ, इसी स्ट्रक्चर के कारण ही क्या होता है, सेल का मूवमेंट होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द एक्वस एनवायरनमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल प्रिवेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द बायलेयर, बट नथिंग स्टॉप दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम मूविंग अबाउट द changing place with one another within the plane or the bilayer. The membrane therefore behave as a two-dimensional fluid which is crucial for membrane function and integrity. This property is distinct from flexibility which is ability to membrane to bend. Okay, membrane flexibility is also important and sets a lower limit of about 25 nanometer to the size of vesicle the cell membrane can form. Okay, क्या बोला जा रहा है, टोटल यहाँ पर कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यदि membrane इस तरीके से नहीं रहेंगे या lipid का structure इस तरीके से, इसीलिए है क्योंकि lipid का movement बहुत जरूरी है, lipid की flexibility बहुत जरूरी है, या membrane की flexibility, membrane की जो integrity होती है वो लिपिड के इस तरीके का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के कारण ही वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकता है। सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी इस लिपिड के कारण ही होती है।
इस तरीके से दिखाया गया है। ओके, तो इस एक्वा सॉल्यूशन में लिपिड किस तरीके से अपने आप को अरेंज करता है, इस तरीके से ये लिपिड अपने आप को अरेंजमेंट करता है। देखिए यहाँ पर दोनों साइड में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल को हम दिखाया गया है, यहाँ पर एक दो भी कर लिया है इस तरीके से, और इसके बीच में हम क्या रख दिया है, इस तरीके से लिपिड को रखे है। ये देख सकते हो बीच वाला पोर्शन में हम इस तरीके से लिपिड का बायलेयर बना दिया है, तो इसके बीच में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि बीच वाला पोर्शन क्या होता है, लिपिड में दो ग्रुप होता है, ये जो रेड कलर का वाला दिखाया गया है ये क्या होता है, उसका हेड वाला पोर्शन होता है जो वाटर लविंग होता है, इसीलिए इस पोर्शन पे वाटर रह सकते हैं। लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि वाटर हेटिंग होता है, इसीलिए इस रीजन पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है। ओके, इसी कारण से क्या होता है, लिपिड का दो लेयर बनता है, तो दोनों साइड वाटर मॉलिक्यूल रह सकते हैं, लेकिन बीच में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल रुक नहीं सकता, क्योंकि बीच वाला पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल या कुछ एक्सपेरिमेंट करके हमने बताया है, सॉरी साइंटिस्ट ने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके बता दिया है कि जो लिपिड का बायलेयर होते हैं वो दोनों तरफ वाटर एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है, सेल के बाहर भी एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है, सेल के अंदर भी एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है, और पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहीं पर भी सेल का मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि पूरे एक्वा, देखिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी सिस्टम होता है, उसके अंदर एक्वा सॉल्यूशन भरा रहता है, चाहे वह सेल के अंदर हो चाहे सेल के बाहर हो, लेकिन सेल को मूवमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सेल के जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, उस सेलुलर स्ट्रक्चर में इस तरीके का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, जिसमें जिसके वजह से क्या होगा, ये जो सेल्स होता है ये आसानी से कोई भी एक्वा सॉल्यूशन में मूवमेंट कर सकता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे द फ्लूडिटी ऑफ लिपिड बायलेयर डिपेंड्स ऑन इट्स कॉम्पोजिशन। इसके कॉम्पोजिशन के कारण क्या होगा, जैसे लिपिड की कॉम्पोजिशन की बात यदि हम करें तो लिपिड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, फॉस्फोलिपिड, जैसे हम इसके पढ़े पढ़े हैं कि फॉस्फोडिडाइल इथाइल एमीन है, फॉस्फोडिडाइल सेरीन है, फॉस्फोडिडाइल कोलीन है, फॉस्फोडिडाइल आइनोसिटाल है। ओके, तो इस तरीके से स्फिंगोमाइलिन है, तो बहुत सारे यहाँ पर लिपिड का कॉम्पोजिशन हो गया। तो ये कॉम्पोजिशन क्या करते हैं, लिपिड का जो कॉम्पोजिशन है वो उसका जो कॉम्पोजिशन, उस कॉम्पोजिशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर लिपिड में फ्लूडिटी होता है, यानी कि लिपिड में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो किस तरीके का मूवमेंट पॉसिबल होता है, तो टोटल यहाँ पर चार प्रकार के मूवमेंट पॉसिबल यहाँ पर दिखाया गया है, और ये जो मूवमेंट होता है ये कब होगा और क्यों होगा। ओके, द फ्लूडिटी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन द केस विद विच इट्स लिपिड मॉलिक्यूल मूव विद इन द प्लेन ऑफ द बायलेयर। ओके, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, प्लेन में भी मूव कर सकता है और दूसरी तरफ भी ये मूव कर सकता है। इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन फंक्शन एंड हैज टू बी मेंटेन विद इन सेल अ सर्टेन लिमिट्स। कुछ लिमिट तक ही क्या कर सकता है, इसका मूवमेंट पॉसिबल होता है। जस्ट हाउ फ्लूइड अ लिपिड बायलेयर इज एट अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड ऑन द फॉस्फोलिपिड कॉम्पोजिशन एंड द पर्टिकुलर ऑन द नेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन टेल्स। द क्लोजर एंड मोर रेगुलर द पैकिंग ऑफ द टेल्स। ओके, यहाँ पर क्या होता है, इसका जो टेल वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छे से पैकिंग रहता है यहाँ पर, और वो रेगुलरली रहता है। ओके, एक दूसरे के क्या होता है, बहुत क्लोज रहता है, लेकिन फिर भी उसका मूवमेंट होता है। फॉर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर ऑल सेल्स मेम्ब्रेन फ्लूडिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मेनी रीजंस। बहुत सारे रीजंस होते हैं, इन enable membrane protein to diffuse rapidly in the plane or the bilayer and the interact with on another as is crucial for example in cell signaling। yani ki signaling ke time mein kya hota hai, lipid ke jo composition hote hai us composition ki wajah se kya hota hai, lipid ka jo composition hai ki bahut sare phospholipid present hota hai, to ye lipid kya karta hai, upper lipid se lower lipid mein is tarike se iska kya hota hai, movement hota hai। kab hoga, cell signaling jab hoga, मोस्टली जब किसी भी चीज़ को रिसीव करेंगे उस टाइम में क्या होगा, लिपिड का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर टोटल चार प्रकार का मूवमेंट या फ्लूडिटी देखा गया है। आप देख सकते हो पहला वाला जो फ्लूडिटी है ये दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, लेटरल डिफ्यूजन होगा। लेटरल डिफ्यूजन का मतलब होगा कि ये लीनियर क्रम में लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर छह लिपिड को दिखाया गया है, तो यहाँ पर जो पहला लिपिड है वो दूसरे नंबर पर आ सकता है, दूसरे नंबर का लिपिड चौथे में आ सकता है, चौथे नंबर का लिपिड
तीसरे नंबर पर आ सकता है। तो इस तरीके से ये लेटरल डिफ्यूजन यानी कि ये यदि इसी क्रम में यदि लिपिड का क्या होगा अरेंजमेंट होगा या लिपिड एक जगह से दूसरे जगह पर डिफ्यूज होगा तो उसको बोलते हैं हम लेटरल डिफ्यूजन। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर फ्लेक्सन। फ्लेक्सन का मतलब क्या होता है इसका, ये देखिए फ्लेक्सन का मतलब क्या होता है इसका जो हाइड्रोकार्बन होता है एक्चुअल में ये जो दूसरा नंबर का हाइड्रोकार्बन है ये इस लिपिड के हाइड्रोकार्बन से जुड़ सकता है और इसका जो हाइड्रोकार्बन वाला चेन है ये इस लिपिड के साथ जुड़ सकता है। ओके ये दूसरा तरीका हो गया है। उसके बाद तीसरा जो रीजन होता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है इसका जो ये हाइड्रोकार्बन वाला जो पोर्शन होता है ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है रोटेट करता रहता है। ओके रोटेट करता रहता है कब करेगा ये जब सिग्नलिंग का टाइम होगा तब ये रोटेट करता है। और मेम्ब्रेन का जो फ्लूडिटी है यानी कि जो मूवमेंट है इस ये जो आपका जो लेटरल डिफ्यूजन उसके बाद फ्लेक्सन उसके बाद रोटेशन इनके वजह से क्या होगा लिपिड का मूवमेंट होता है। और जो चौथा कंडीशन होता है बहुत कम होता है ये होता है फ्लिप फ्लॉप रिएक्शन। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होगा कि जब अपर लिपलेट ये अपर लिपलेट ये लोअर लिपलेट हो गया यानी कि ये आपका एक्सोप्लाज्मिक लिपलेट ये हो गया साइटोप्लाज्मिक लिपलेट। तो जब एक्सोप्लाज्मिक लिपलेट से जो लिपिड है वो साइटोप्लाज्मिक लिपलेट में आएगा तो फ्लिप रिएक्शन कहलाएगा। उसी प्रकार से जब यहाँ पर दोनों तरीके दोनों साइड में एरो दिखाया गया है और जब यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक लिपलेट से आपका एक्सोप्लाज्मिक लिपलेट में लिपिड का क्या होगा ट्रांसफर होगा तो उसको बोलेंगे फ्लॉप। तो यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप रिएक्शन होते रहेगा। ओके तो इस तरीके से लिपिड का मूवमेंट देखा गया है और चार तरीके से लिपिड का मूवमेंट पॉसिबल होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये है कुछ एसिमेट्रिकल कंडीशन लिपिड का। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि लिपिड कभी भी लिपिड का जो लेयर होता है कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होता यानी कि एक जैसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है इस तरीके से स्ट्रक्चर में इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि इसमें कोई भी आपको एक क्रम में नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसका जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है एक कार्बन क्या होता है छोटा होता है दूसरा हाइड्रोकार्बन साइज में क्या होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। कहीं पर ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर है कहीं पर कोलेस्ट्रॉल है कहीं पर प्रोटीन है इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है लिपिड के जो बाइलेयर होता है वो एसिमेट्रिकल होता है सिमेट्रिकल नहीं होता है। ओके इस तरीके से आप देख सकते हो ये है पोलर हेड ग्रुप होगा इसका उसका नॉन पोलर टेल हो गया है उसका ये हो गया ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से रिजिड होगा प्लेनर स्टेरॉइड रिंग स्ट्रक्चर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। तो बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा जिसकी वजह से इसके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ये फॉस्फोलिपिड है ये देखिए यहाँ पर क्या है फॉस्फोलिपिड ये भी फॉस्फोलिपिड है ये भी फॉस्फोलिपिड है और इसके बीच में क्या है कोलेस्ट्रॉल है। ओके ये क्या है कोलेस्ट्रॉल है और ये कोलेस्ट्रॉल किसके बीच में है लिपिड के बीच में है ये कोलेस्ट्रॉल है ये इसका पोलर हेड है। मतलब अरेंजमेंट किस तरीके से इसका जो पोलर हेड है जो आपका कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल का पोलर हेड साइड ही रहेगा लेकिन इसका जो ये लिपिड का जो बाइलेयर होता है बाइलेयर से क्या होता है जो लिपिड होता है लिपिड से काफ़ी छोटा होता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल लेकिन ये क्या होगा एक ही प्लेन में नहीं है। ओके इसीलिए इसको एसिमेट्रिकल बोला जा रहा है। ओके तो ये जो उसका आपका जो जो दो लिपिड मॉलिक्यूल है दो लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है ये शिफ्टिंग रीजन वाला पोर्शन होता है और ये उसका पोलर हेड है और इसका ये नॉन पोलर हेड है। ओके तो ये जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है इसके कारण ही क्या होता है आपका लिपिड मॉलिक्यूल क्या होता है ज्यादा से ज्यादा मतलब मूवमेंट कर सकता है। ओके तो इस तरीके को स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से लिपिड मेंटेन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ओके यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये एसिमेट्रिकल का और एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पर है जैसे ये हम एक लिपिड का स्ट्रक्चर सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से देखते हैं ये है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी कि एक्सोप्लाज्मिक लिपलेट और दूसरी तरफ हम देखेंगे साइटोसोल। ओके यानी कि ये आपका साइटोसोलिक लिपलेट दो प्रकार का लिपलेट यहाँ पर है देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर से शो किया गया है ये नीचे भी अलग अलग कलर का शो किया गया है यानी कि कहीं पर देखिए ये है सॉरी ये जो अलग अलग कलर का दिखाई दिए बीच में जो आपका ब्लैक कलर का दिखाया गया है ये सारे क्या है कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा इस तरीके से ये जो आपका फॉस्फोलिपिड है इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्यों बोला जा रहा है क्योंकि सबका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है और जो एक सिक्वेंस में लगा हुआ है इसका सिक्वेंस भी क्या है एक जैसा नहीं है इसीलिए क्या बोला जाता है लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है ये सिमेट्रिकल होता है। ओके
तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो आज हमने लिपिड के बारे में देखे हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि लिपिड के बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और कितने प्रकार का लिपिड होता है, कौन सा साइट में प्रेजेंट होगा, कौन सा साइट में ये प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, ये एसिमेट्रिकल होगा, कितने तरीके से इसका मूवमेंट हो सकता है। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। आज हमने पढ़ ली है लिपिड के बारे में। ओके, तो ये था ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ओके, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर इस वाले पोर्शन में समझ में नहीं आ रहा, तो उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और भी। तो आज तक की आज का जो वीडियो है यही तक है। ओके, तो आपको यदि अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।